सुन अबू, एक काम कर, तेरे पापा के लिए हल्दी वाला गरम दूध लेकर आ। ठीक है दादाजी, लेके आया। वाह, क्या हुआ? नहीं, दया पे कभी कभी बापूजी मुझे सोने से पहले ये हल्दी वाला गरम दूध देती थी। हाँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ। इसलिए मंगवाया। थैंक यू। चल आ जा, बैठ जा। अरे मैं यहाँ कोई भजन करने नहीं बैठा हूँ। उधर मुंह करके बैठ, उल्टा बैठ। अच्छा, हाँ ऐसे। हाँ, बाय फर्स्ट क्लास। क्या बात है बापूजी? हाँ, किस बात की शाबाशी दे रहे हैं? अरे तुझे शाबाशी नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं ना तुझे मस्त मालिश करके देता हूँ। नहीं बापूजी नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मरे बापूजी, आप मेरे बापूजी है। तो बेटा बापूजी की मालिश करता है, बापूजी थोड़ी बेटा की मालिश करते हैं। अरे भाई, नींद आने का प्रॉब्लम किसे है, तुझे या मुझे? मुझे है, लेकिन बापूजी मुझे पाप लगेगा। अरे कुछ नहीं होगा जेठिया, मैं ऊपर बात कर लूंगा, कोई पाप नहीं लगेगा। चल आ जाए, ये लीजिए दूध। पहले दूध पी। पापा क्या हुआ? क्या हुआ जेठिया? अरे क्या बोल, क्या हुआ? पापा अच्छा नहीं बना? नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छा बना है। तो फिर रो क्यों रहे? दया की याद आ गई बापूजी। जैसा दया बना के पिलाती थी, वैसा का वैसा ये छोटी दया बना के लेके आई। लेके आया। थैंक यू बेटा। अरे वेलकम पापा। आप दोनों मेरे लिए कितना सोचते हैं? अरे जेठिया, हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? हाँ, थैंक यू बेटा। वेलकम पापा। चल आजा, बैठ जा। हाँ चल। शाबाश। बस बस बाबूजी, बस बस बहुत हो गया। आपके हाथ दुखेंगे फिर बाबूजी। अरे भाई, मेरे हाथ नहीं दुखेंगे जेठिया। अरे बचपन से असली घी खा कर बड़ा हुआ हूँ। है लेकिन बापूजी, तू खाली आंख बंद कर और शांति से चुपचाप बैठ, एकदम रिलैक्स हो जा। पापा मजा आ रहा है ना? हाँ बेटा, मजा भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है। क्या दुख क्या हो रहा है इसमें? अरे बाबूजी आप मतलब ये। अरे कुछ नहीं भाई, मैंने तुझे बोला ना, तू चुपचाप बैठ। वैसे दादाजी, क्या आइडिया लगाया आपने, मसाज की वजह से पापा को मस्त नींद आ गई। अरे टपूरा, सिर्फ मसाज नहीं, मसाज और हल्दी वाला दूध दोनों काम करेगा। यस, बस अब भगवान करे कि आज रात पापा को कोई सपना ना आए। अरे बेटा नहीं आएगा, कोई सपना नहीं आए। चल हम भी सोए। हाँ। दया, आपको बहुत दर्द हो रहा है? बहुत बहुत। तो एक काम कीजिए, आप बेडरूम में चलिए, मैं आपको तेल मालिश कर देती हूँ। क्या हुआ? कोई
कहीं के। अयो मत करो दया। पिताजी दिन दिन साथी तेरे पिताजी। दादाजी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है क्या? जेठिया और क्या? चल चल जब भी ना चल जल्दी। पापा जेठिया, अरे क्या हुआ? पापा आप गरबा क्यों कर रहे हो? अरे पापा, अरे क्या कर रहे पापा? अरे क्या हुआ? अब बताओ क्या हुआ? तू अभी क्या कर रहा था? मैं तो सो रहा था। अरे क्या सो रहा था जेठिया? अरे तू सोते सोते चिल्ला चिल्ला के गरबा कर रहा था। मैं? हाँ हाँ तू, तेरी आवाज हमारे कमरे तक आ रही थी, वही सुन के तो हम दोनों यहाँ आए। अभी क्या गरबे का सपना देखा? अरे हाँ 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 बराबर, हाँ हाँ हाँ, मैं और दया गरबा कर रहे थे बाबूजी, पर हाँ वो सपना है बराबर। पापा आप और मम्मी थे या सुंदर मामा भी थे? अरे सुंदर मामा क्यों आएंगे बेटा? अरे मतलब मम्मी अहमदाबाद में ना, तो मुझे लगा सुंदर मामा भी होंगे। नहीं नहीं नहीं, तो कोई वो नहीं, मामा वामा नहीं थे, मैं और मम्मी खाली गरबा कर रहे थे। चलो एक बात तो अच्छी है कि इस बार तुझे कोई अजीब नहीं अच्छा सपना है। हाँ सो जा सो जा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। जेठिया ने फिर नींद खराब कर दी। टपड़ा एक काम कर, मुझे थोड़ी रुई ला कर दे। रुई? अच्छा छोड़ रुई छोड़, वो ला कर दे। वो तू कान में क्या पहनता है, वो सुनता है ना, क्या कहते हैं उसको, कैसा? हेडफोन। हाँ हेडफोन ला कर दे। आपको गाने सुनने? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे गाने नहीं सुनने हैं। ये जेठिया का है ना कोई भरोसा नहीं, पता नहीं रात को वो कितनी बार सपने देखेगा, कितनी बार चिल्लाएगा और कितनी बार मेरी नींद खराब करेगा। उससे तो अच्छा है मैं हेडफोन पहन के सो जाता हूँ, फिर वो कितने भी सपने देखे कितना भी चिल्लाए मेरी नींद तो खराब ना हो। ठीक है ठीक, देता हूँ लीजिए। हाँ वाह, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तु ते। बबीता जी की बालकनी बबीता जी के बगैर कितनी वीरान लगती है। बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी, आप 100 साल जीने वाले, मैं अब भी आपको याद कर रहा था और आपके दर्शन हुए। बोलो। थैंक यू जेठा जी, और वैसे आप भी 100 साल जिएंगे। अच्छा आप भी मुझे याद कर रहे थे? नहीं पर दया भाभी तो आपको बहुत मिस करती है ना, वो आपको बहुत याद करती है और आपका बहुत ख्याल रखती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इतना ख्याल रखने वाली बीवी हो तो आदमी 100 साल तो जिएगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब बबीता जी आप भी 100 साल जिएंगे।
मैं भी 100 साल जीऊंगा, मतलब जिंदगी भर एक दूसरे के पड़ोसी बन के एक दूसरे को मिलते ही रहेंगे। वैसे दया भाभी है कहाँ पे, क्या खबर है उनकी? आपके साथ तो रोज बात होती होगी ना? नहीं, बात होती है लेकिन रोज नहीं। ओके, ज्यादातर उसका फोन उसके पर्स में रहता है, तो मैं फोन करता हूँ तो उसको फोन की घंटी सुना ही नहीं देती, तो उठाती ही नहीं है फोन। तो आपकी उनके साथ जब बात हो तो उन्हें प्लीज कहिएगा कि हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, और प्लीज उन्हें जल्दी वापस आने के लिए कहिए। और आप तो उन्हें मिस करते ही होंगे ना? अरे भाई, मिसेज को कौन मिस नहीं करेगा है बबीता जी। और आज के जमाने में तो लोग दूसरों की मिसेज को बहुत मिस करते हैं, तो खुद की मिसेज को मिस करना तो बनता ही है ना। जेठा जी आप ही ना। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे आयर के लिए नाश्ता बनाना है। मत बनाना। मेरा मतलब है अभी पद्मावती भोजनालय से हमारे घर पे गरम गरम जलेबी फाफड़ा आ रहा है, तो आप दोनों भी आ जाइए हमारे यहाँ नाश्ता करने। अरे सोचिए मत बबीता जी, मुझे पता है अय्यर भाई को भी जलेबी फाफड़ा बहुत पसंद है। आइए आइए आइए, मैं आप दोनों की राह देख रहा हूँ, आइए। ठीक है, हम लोग आते हैं। ये हुई ना बात। अरे वाह बबीता जी, नाश्ते के लिए घर पे आ रहे हो, मुझे आ जाएगा। लेकिन ये पद्मावती से अभी तक नाश्ता आया क्यों नहीं? सॉरी बाबूजी। और इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तू? वो पद्मावती भोजनालय से नाश्ता नहीं आया ना अभी तक, तो जरा दरवाजे तक देखने जा रहा था, आया कि नहीं। वैसे पापा आज नाश्ते में क्या आने वाला है? बेटा आज तो फाफड़ा जलेबी आने वाले। अरे वाह फाफड़ा जलेबी, आज तो मजा आ जाएगा। तूने ही बोला होगा ना उनको जलेबी फाफड़ा भेजने के लिए? हाँ बापू जी, वो बहुत दिन से खाया नहीं तो एकदम मन हो गया खाने का, तो कल शाम को मैंने फोन करके बोला कि भाई आज नाश्ते में फाफड़ा जलेबी भेजना। अच्छा, परसों हमने क्या खाया था नाश्ते में जेठिया? कल चल अभी याद करने का नाटक मत कर, परसों भी तो जलेबी फाफड़ा ही खाए थे। हाँ बापू जी, लेकिन ये पद्मावती भोजनालय के फाफड़ा जलेबी इतना मस्त आते हैं ना कि देखो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। इन्हें करारे करारे फाफड़े और वो कातिल कढ़ी, हरी मिर्च और वो पपैया का संभारा, मजा आ जाता है। और जलेबी गोल गोल मीठी मीठी केसरी केसरी कड़क कड़क करारी करारी जलेबी, मजा। लेकिन जेठिया आज पद्मावती में से नाश्ता नहीं आने वाला। क्यों? वो मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था कि उनका वो जो कारीगर है जो जलेबी फाफड़ा बनाता है वो आज नहीं आया है, इसलिए वो आज हमारे यहाँ जलेबी फाफड़ा नहीं भेज पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्यों, क्या हुआ? वो मैं अभी सूरत दादा को जल चढ़ा रहा था बाबूजी, तभी बालकनी में बबीता जी मिले, तो मैंने उनको नाश्ता के लिए आमंत्रण दिया, तो अभी वो और अय्यर भाई नाश्ता करने हमारे घर पे आ रहे हैं। अब हमेशा बबीता जी के साथ खाना खाने का प्रोग्राम बनता है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बबीता जी के घर पे खाना खाने जाना था तो पोपटलाल की वजह से कैंसिल हो गया, आज बबीता जी नाश्ता करने घर पे आ रही है तो नाश्ता ही नहीं आने वाला है। पता नहीं कब बबीता जी के साथ खाना खाने की इच्छा पूरी होगी। जीजा तू चिंता मत कर, घर में सेव ममरा है तो उनको चाय के साथ सेव ममरा दे देंगे। बापू जी कहाँ सेव ममरा और कहाँ फाफड़ा जलेबी। हाँ तो है, लेकिन अब कर भी क्या सकते। बापू जी बबीता जी और अय्यर भाई आए तो जरा उनको बिठाना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। यार मैं वो किसी फरसान की दुकान से जलेबी फाफड़ा लेके आता हूँ। अरे रुक जा, ए, फाफड़े लाल रुक जा। अरे हम दोनों मजाक कर रहे हैं। हाँ पापा, मजाक कर रहे हैं मतलब? मजाक कर रहे हैं मतलब मजाक कर रहे हैं मतलब पद्मावती भोजनालय से कोई भी फोन नहीं आया। हाँ मतलब फाफड़ा जलेबी आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता। अरे नहीं मतलब
अभी तक क्या है ना, जलेबी फाफड़ा आए नहीं है, तो जलेबी फाफड़ा आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ एक बात जरूर पता है कि कोई फोन नहीं आया है। मतलब जरा फाफड़ा जलेबी आएंगे। आ गए जलेबी फाफड़ा आ गए। पापा मैं लेकर आता हूँ। हाँ ले ले ले। मुझे आएगा बापू जी। नमस्ते चाचा जी, कैसे हो जेठालाल? पोपटलाल तुम? बापू जी तो पोपटलाल है। हाँ दिख रहा है। क्या हुआ जेठालाल, मुझे देख के तुम्हारे चेहरे का भाव ऐसा क्यों हो गया? वो एक्चुअली पोपट अंकल अभी पद्मावती भोजनालय से फाफड़ा और जलेबी आने वाले थे। अरे वाह। हाँ हम तीनों उसका इंतजार कर रहे थे, तो तू आया तो जेठिया को लगा कि पद्मावती भोजनालय में से कोई आया। अच्छा अच्छा जेठालाल, मेरी सलाह मानो तो तुम्हें तो फाफड़ा जलेबी से दूर ही रहना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, फाफड़ा में कितना तेल होता है, जलेबी में कितनी शक्कर होती है, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बस पोपटलाल बस, खबरदार फाफड़ा और जलेबी के खिलाफ एक और शब्द बोला है तो मैं उन दोनों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। जेठालाल चाचा जी मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं तेरी बात तो सही है। बापू जी आप पोपटलाल की बात को समर्थन दे रहे हैं? अरे पूरी बात सुन तो ले जेठिया। देख भाई पोपट क्या है कि तेरी बात गलत नहीं है, लेकिन हम गुजरातियों में है ना जलेबी फाफड़ा का बहुत महत्व है। क्या है ना कि बचपन से इसे खा के बड़े हुए हैं, तो ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। तो नहीं तेरी बात सही है कि फाफड़ा में तेल होता है, जलेबी में शक्कर ज्यादा होती है, लेकिन उसे खाने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उससे क्या है ना मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। और मन प्रफुल्लित होता है तो शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, इसलिए कभी कभी जलेबी फाफड़ा खाने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन भाई सिर्फ कभी कभी है। हाँ तो मैं क्या रोज रोज खाता हूँ बापू जी, मैं भी कभी कभी ही खाता हूँ ना। फिर भी तुम भी तो फाफड़ा जलेबी के शौकीन हो, फिर आज अचानक उन दोनों के खिलाफ क्यों हो गए हो? कांति की वजह से। कौन कांति? दरअसल चाचा जी पिछले दिनों मैंने किताब पढ़ी, चार दिन में चांद की तरह चमकी। उस किताब में लिखा है कि ज्यादा बाहर का तला हुआ और मसालेदार खाने से चेहरे की कांति कम हो जाती है। कांति यानी चेहरे का तेज। अब अगर मेरे चेहरे की कांति कम हो गई तो मुझसे शादी कौन करेगा? अरे भाई तुम्हें शादी के लिए कांति की नहीं क्रांति की जरूरत है। जेठालाल जेठा रहने देना भाई, क्यों परेशान कर रहा है उसे। अच्छा पोपट ये बता कैसे आना हुआ? वो घर में हल्दी खत्म हो गई है तो थोड़ी हल्दी लेने आया था। उस किताब में लिखा है कि चेहरे की कांति बढ़ाने के लिए स्पेशल अदरक और हल्दी वाली चाय पीनी चाहिए। हल्दी वाली चाय? हल्दी वाली चाय कौन पीता है बापू जी? भाई उसे वो कांति के लिए पीनी है तो पीने देना, तुझे क्या तकलीफ हो रही है। मित्रों सुहाने सुबह की क्या परिभाषा हो सकती है? अगर मुझसे पूछा जाए तो सुमधुर संगीत हो, चिड़ियों की चहचहाट हो, ताजा अखबार हाथ में और एक मसालेदार मीठी चाय तो सुबह बड़ी सुहानी हो जाए। लेकिन मेरे परम मित्र जेठा की सुहानी सुबह की परिभाषा थोड़ी सी अलग। भाई फाफड़े का नाश्ता हो, जलेबी साथ हो और बबीता जी से थोड़ी बहुत बात, याद सब कुछ है जेठालाल की सुबह में। लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ये नहीं जानते हैं कि एक ऐसी बिजली गिरने वाली है कि उनके सारे अरमान और सपने छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसा क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.